क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, अ शेल ऑफ मास एम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास के एम विच कैन रिकॉइल फ्रीली ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. द एलिवेशन ऑफ द गन इज 45 डिग्री. फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ शेल टू दैट ऑफ गन. मतलब फायरिंग के बाद की बात पूछा हुआ है. तो देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरह का केस है कि गन में जो फायरिंग हो रही है वो फायरिंग हो रही है एट एन एंगल 45 डिग्री. ठीक है, एंड सपोज इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे है और बाद में फायरिंग होने के बाद सपोज ये जो शेल है एम मास ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से और ये रिकॉइल होके इस तरफ जाएगी वी वन वेलोसिटी से. ठीक है, अब इसमें एक बात का ध्यान देना कि ये जो वी नॉट है ये वी नॉट गन के रिस्पेक्ट में जब होगा तो ये इधर से 45 डिग्री पे निकलेगा, ग्राउंड से उसका एंगल कुछ और होगा. तो हम अगर इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं इनिशियल फाइनल, शेल का मास दिया हुआ है, गन का मास है के एम, तो ये बनेगा माइनस के एम इंटू वी वन प्लस एम इंटू वी नॉट माइनस वी वन कॉस 45. इसको ऐसे लिखना चाहिए, सॉरी, एम इंटू वी नॉट कॉस 45 माइनस वी वन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आप देखो एम कैंसिल कर दो, वी वन हमें निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा वी वन वन प्लस के इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू. तो यहाँ से वी वन की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन रूट टू टाइम्स वन प्लस के इक्वल. देखो अब हमें रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ शेल, तो एनर्जी ऑफ शेल कितना बनेगा, एनर्जी ऑफ शेल बनेगा हाफ एम और उसकी वेलोसिटी अगर देखें तो उसकी वेलोसिटी वी नॉट और वी वन का रिजल्टेंट होगी. तो वी नॉट और वी वन का रिजल्टेंट का मतलब हुआ वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू वी नॉट वी वन कॉस 45. तो ये रूट टू हो जाएगा. ठीक है, और एनर्जी ऑफ गन अगर लिखेंगे तो एनर्जी ऑफ गन बनेगा हाफ के टाइम्स एम इंटू वी वन स्क्वायर. तो अगर हमें इनका रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर दो, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ हाफ कैंसिल एम कैंसिल तो वन अपॉन के मिलेगा और अंदर ब्रैकेट में देखिए वी नॉट अपॉन वी वन होल स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस रूट टू टाइम्स वी नॉट अपॉन वी वन. और वी नॉट अपॉन वी वन की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ से वो सब्सटीट्यूट कर दो तो वन अपॉन के इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी वन का मतलब हो जाएगा टू वन प्लस के होल स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू टाइम्स इंटू रूट टू टाइम्स वन प्लस के. तो इसको जरा सॉल्व करिए आप कितना मिलता है, वन बाई के अलग कर लो, अंदर ब्रैकेट में भाई एक बचेगा टू के स्क्वायर. ध्यान से देखो तो अच्छा इधर से आएगा टू के और इधर से भी आएगा, इधर से आएगा फोर के और इधर से आएगा टू के, तो इधर बचेगा टू के. ठीक है, और एक प्लस वन और इधर से आ रहा है माइनस टू आ रहा है, इनफैक्ट माइनस टू आ रहा है, तो प्लस वन और यहां से टू आएगा, टू यहां भी बचेगा तो ये प्लस वन बच जाएगा. देखिए यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का.